चाहे और दूर बहुत है तारे, फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत हैं समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे। छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, पिछले सप्ताह हमने देखा कि रवि और भास्कर अपने स्कूल की ओर से नेहरू प्लैनेटेरियम देखने गए। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था और रवि की दादी ने रवि को सूर्य ग्रहण देखने से मना भी किया था, परंतु रवि ने टीचर के अनुरोध पर सूर्य ग्रहण देखा और पाया कि सूर्य ग्रहण देखना कोई अपशकुन बात नहीं थी। प्लैनेटेरियम से बाहर आने के बाद रवि और भास्कर की मुलाकात डॉक्टर नार्लेकर से हुई। डॉक्टर नार्लेकर ने रवि की ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा को देखकर उसे और भास्कर को साइंस एग्जीबिशन जाने की सलाह दी। और उसके बाद रुकना, मैं भी आया। मुझे तो अभी तक ठंड लग रही है। अभी तक? और नहीं तो क्या यार, उस दिन सूर्य ग्रहण देखना बहुत महंगा पड़ा। महंगा पड़ा? हाँ यार, जब प्लैनेटोरियम से घर पहुँचा तो दादी ने जिद पकड़ ली कि मुझे नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि दादी के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद नहाने से शुद्धि हो जाती है। और फिर? फिर क्या, आज ग्रहण का दिन है, बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा। वरना क्या करता, अरे रात का खाना गोल होने की नौबत जो आ गई थी। तू अकेला किया रवि, जो तेरी दादी ने तुझे नहाने से पहले बोलने का मौका तो दिया। मतलब? मतलब ये कि जब मैं सूर्य ग्रहण देखकर घर पहुंचा तो दादी ने मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाई, बहुत भूख। ठहरो ठहरो, अंदर मत आओ। दादी आज क्या मजा आया, ग्रहण देखा ना। दादी तुम क्या कर रही हो? दादी दादी ठंडा पानी। भास्कर ना तो बच चुके होंगे और स्पेस पैवेलियन भी खुल चुका होगा। इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचे, हम वहीं चलते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, चलो फटाफट। चल देख, उधर जाना है, टाइम हो गया है, चल जल्दी चल। ओके चल। अंतरिक्ष यात्रा केवल बहादुर बच्चों के लिए, डरपोक बच्चे प्रवेश ना करें। अरे ये नोटिस तो डरपोक लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। चल रवि, मैं सोच रहा था क्या स्पेस पवेलियन देखना जरूरी है? जरूरी है मतलब? अरे यार कुछ लफड़ा ना हो जाए, अगर सचमुच अंतरिक्ष में पहुंच गए तो
अरे मैं हूँ ना तेरे साथ, चल। मगर अंकल नार्लिकर कह रहे थे वहाँ प्रवेश करते ही ऐसा महसूस करोगे जिसे सचमुच अंतरिक्ष में हो। मोटू तो हम लोग यहाँ आए क्यों थे? कल तक तो अंतरिक्ष में जाने की बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, डरपोक कहीं का। वो सब तो ठीक है रवि, पृथ्वी पर रहने में क्या बुराई है? ये तुझे क्या हो गया भास्कर, अगर नहीं चलना था तो यहाँ तक आया ही क्यों? बाकी एग्जीबिशन देख के भी तो जा सकते हैं। तुझे देखनी है तो देख, मैं चला। ठहर, मैं भी आया। अब होगी यात्रा। स्पेस पेविलियन आपका स्वागत करता है। रवि, ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये कौन बोल रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये तो हमारा स्वागत हो रहा है, चल आगे देखते हैं। आगे कहाँ जाओगे, दरवाजा तो बंद है। चल देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारा यान FD2 तैयार, प्रवेश के लिए आगे बढ़े। रवि हम लोग उस रॉकेट में तो नहीं ना बैठने वाले? हाँ नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग ने बहुत कुछ देख लिया, चल वापस चलते हैं। चल। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार अंदर आने के बाद बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद ही बाहर निकला जा सकता है। स्पेसशिप में प्रवेश के लिए आगे बढ़े। आपकी अंतरिक्ष यात्रा शुभ हो। चल आजा। चल चल बैठ। प्लीज सिट डाउन एंड कॉल आउट योर नेम। रवि। भास्कर। थैंक यू, वेलकम रवि, वेलकम भास्कर। थैंक यू। थैंक यू क्या कर रहा है? मेरी तो यहाँ जान जा रही है। मैं हूँ TVM-1, अंतरिक्ष में चलने वाले इस स्पेसशिप FD2 का ये मार्ग होगा। ये सीधा ना होकर zigzag होगा। क्योंकि हमें अन्य ग्रहों के गुरुत्व आकर्षण से बचना होगा। इस मार्ग में आपको ग्रह नजर आ रहे हैं, इसमें बुध और शुक्र सूर्य के करीब है। हमारा यान FD2 उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि सूर्य की गर्मी यान को चला देगी। फिर भी बुध और शुक्र की पूरी जानकारी दी जाएगी हमारे TVM-2 द्वारा। धन्यवाद। हेलो, मैं हूँ TVM-2। आपकी अंतरिक्ष यात्रा को योजक बनाना मेरा काम है। ग्रह और नक्षत्रों की विस्तार पूर्वक जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर देती रहूंगी। मेरा रडार रेडियो वेव्स द्वारा अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलकर आप लोगों के सम्मुख पल भर में रख देगा। धन्यवाद। अगर आपको अपनी अंतरिक्ष यात्रा की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उड़ान के लिए मास्टर कंट्रोल वाला स्विच दबाइए जो आपके सम्मुख जल बुझ रहा है। अच्छा, तो इसे तुमने छिपा रखा है। हाथ हटाओ, मुझे इसे प्रेस करना है। नहीं हटाऊंगा। नहीं नहीं, ठीक है मत हटाओ डॉक्टर। तो अब इस यात्रा का श्री गणेश तेरे ही हाथ से होगा। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव
4, 3, 2, 1. और भास्कर, तुम दोनों की अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम पृथ्वी से दूर होते जा रहे हैं। हमारा रॉकेट इस समय 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। देख भास्कर, यहाँ से पृथ्वी कितनी सुंदर नजर आ रही है। लगता है जैसे हरी नीली गेंद है। तुम्हारा मतलब है हम वाकई इतने दूर चले आ गए हैं और वो छोटा सा गोला हमारी पृथ्वी है? और नहीं तो क्या। लेकिन रवि, यात्रा कब खत्म होगी? अभी तो शुरू हुई है भोलेनाथ। आगे देख। थोड़ी ही देर में हम लोग चांद के करीब से गुजरने वाले हैं। ये चंद्रमा कोई ग्रह नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह? जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसीलिए ये उपग्रह है। ये चंद्रमा की सतह है जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है। तो इस सतह में और पृथ्वी से दिखने वाली सतह में क्या अंतर है? इन दोनों सतह में अंतर धब्बों का है। बाईं वाली सतह जो पृथ्वी से दिखाई देती है उसमें गड्ढे या क्रेटर है। दाईं वाली सतह जो पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ती उसमें धब्बे या क्रेटर नहीं होते। ओह, तो अब समझा। इन धब्बों को पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है जैसे बुढ़िया चरखा कात रही हो। अब तो ऐसा नहीं लगेगा ना, सामने देख। चंद्रमा की सतह पर लगातार उल्काओं के हमले से जो गड्ढे बन गए हैं उन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। क्या हमारा यान चंद्रमा पे नहीं उतरेगा? नहीं, हम लोग पूरे सौर मंडल तथा आकाश गंगाओं के केवल समीप से ही गुजरेंगे, अन्यथा यात्रा पूरी नहीं हो सकेगी। वैसे जानकारी के लिए इतना बता दें कि सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को पृथ्वी से जाने वाला अपोलो 11 यान चांद की सतह पर उतरा था और नील आर्मस्ट्रांग पृथ्वी का वो पहला व्यक्ति था जिसने चांद पर पहली बार कदम रखा था। छोटा सा मेट्योराइट है, हमारा यान इससे बचकर निकल जाएगा। तुम्हें लेकर ही नहीं आना चाहिए था। खुद तो लड़ता है, मुझे भी डरा देता है। आई एम सॉरी रवि। टीवीएम 2, तुम अपने राडार द्वारा
बुध ग्रह की पूरी जानकारी दो। ओके। बुध ग्रह आपके सामने है। इसकी सतह चंद्रमा से कितनी मिलती जुलती है ना? ये सौर मंडल का सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। रवि, वो बड़ा सा गड्ढा क्या है? लगता है वो क्रेटर है, जैसे हमने चांद पे देखा था। अच्छा। ये एक क्रेटर 550 किलोमीटर व्यास का है। बाप रे, मुंबई से अहमदाबाद इतना लंबा गड्ढा। बुध की सतह पर चांद की तरह क्रेटर पाए जाते हैं। इसकी एक सतह पर हमेशा सूर्य का प्रकाश रहता है तथा दूसरी तरफ सदा अंधकार। इसीलिए बुध के एक हिस्से का तापमान बहुत अधिक तथा दूसरे का कम होता है। अब सुनो एक मजे की बात। बुध ग्रह का एक वर्ष केवल 88 दिनों का होता है। अरे रवि, ये बुध ग्रह इतना चमकीला कैसे हो गया? ये है शुक्र ग्रह। इस पर सदैव बादल छाए रहते हैं। जब सूर्य की रोशनी शुक्र पर पड़ती है तो वो इन बादलों से टकराकर वापस लौट जाती है, जिससे ये ग्रह चमकीला दिखाई देता है। क्या हम बादलों के पार इस ग्रह को नहीं देख सकते? टीवीएम टू, अब जरा अपना कमाल दिखाओ। ओके। बादलों के पार शुक्र का यह चित्र मैंने रेडियो वेव्स भेजकर तुम्हारे सन्मुख उपस्थित किया है ना चमत्कार? इस समय तुम लोग शुक्र ग्रह को 7,00,000 किलोमीटर की दूरी से देख रहे हो। 7,00,000? कमाल है। पूरे सौर मंडल में केवल शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर विपरीत दिशा में घूमता है। यूं तो इसका आकार करीब करीब हमारी पृथ्वी के बराबर होता है, परंतु मजे की बात यह है कि पृथ्वी के विपरीत शुक्र का एक दिन उसके अपने ही एक वर्ष से बड़ा होता है। और अब हम लोग मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। मंगल है? हाँ। तुझे देखना है तो देख, मैं तो मंगल को नहीं देखूंगा, क्योंकि ये और शनि इतने भयंकर ग्रह है, जिसके भी पीछे लग जाते हैं उसे 7.5 साल तक नहीं छोड़ते। मेरी दादी भी यही कहती है। बाप रे। न तो शनि कोई राक्षस है और न ही मंगल को देखने से किसी का अमंगल होता है। एक बार उनका असली स्वरूप देख लो, धारणा बदल जाएगी। ये तो हमारे पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी के समान ये भी एक धुरी पर झुका है तथा यहाँ भी दिन और रात तथा ऋतुएं होती हैं। ये मंगल के उपग्रह हैं। मगर उपग्रह तो गोल होते हैं। सिर्फ मंगल ही ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह गोल नहीं होते हैं। बड़े वाले उपग्रह का नाम फोबोस तथा छोटे वाले को डाइमोस कहते हैं। शनि
ये मंगल पर चलने वाली धूल की आंधियां हैं। बाप रे, ये तो वैसी ही आंधी है जैसे मैंने राजस्थान के थार डेजर्ट में देखी थी। अच्छा, पृथ्वी से मिलते जुलते इस ग्रह को देखने के बाद क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मंगल को देखना अशुभ होता है? अभी तक हमने इस सौर मंडल के अंदर के चार ग्रह देखे हैं। अब हमारा यान FT2 बाहर के चार ग्रहों को देखने के लिए आगे बढ़ रहा है। पत्थर के टुकड़े कैसे तैर रहे हैं? ये पत्थर के टुकड़े एस्ट्रॉइड्स हैं, जो मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। इस टुकड़े को सिरस कहते हैं। ये इनमें सबसे बड़ा है। अब तक 1600 एस्ट्रॉइड्स ट्रैक किए जा चुके हैं। ये एस्ट्रॉइड्स जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो मेटेराइट्स कहलाते हैं। मेटेराइट्स? रवि, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और क्यों? लगता है शांत रहिए, आपातकालीन स्थिति है। एक एस्ट्रॉइड हमारे यान की तरफ बड़ा चला आ रहा है। साप्ताह रवि और भास्कर साइंस एग्जीबिशन देखने आए। स्पेस पेविलियन में रखे रॉकेट में बैठकर दोनों अंतरिक्ष की ओर निकल पड़े थे। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की जानकारी लेने के बाद उनका यान हमारे सौर मंडल के भीतर के तीन ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल को देखता हुआ जब बाहर के ग्रहों की ओर बढ़ा तो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में फंस गया। और उसके बाद भास्कर, उठ भास्कर, अब खतरा दूर है। रवि, पहले मेरे गाल पर तमाचा मार। तमाचा? मगर क्यों? मगर क्यों? ये साबित करने के लिए कि मैं अभी तक जिंदा हूं। बाप रे बाप, अभी तो और भी यात्रा बाकी है। आधी यात्रा में ब्लड प्रेशर दुगना हो गया, हार्ट फेल कराना है क्या? मैं तो चला। कहाँ चले? यात्रा पूरी होने तक सारे रास्ते बंद हैं। भूल गए क्या डरपोक चंद? अगर मुझे कुछ हो गया तो? अंतरिक्ष यात्रा की एक दुर्घटना टली हमारे यान चालक की कुशलता से। हमारा यान FT2 थोड़ी ही देर में
इस खतरे की जगह को छोड़कर एक शांत स्थान की ओर पहुंचेगा। सबसे बड़ा ग्रह इस समय हमारा यान इस ग्रह से 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अगर किसी तरह तराजू के एक पलड़े पर गुरु तथा दूसरे पर सौर मंडल के बाकी 8 ग्रह रख दें, तब भी अकेले गुरु ग्रह का वजन उन 8 ग्रहों से दुगना होगा। वाह, गुरु वाकई सारे ग्रहों का गुरु है। केवल वजन या भार में ठोस हमारी पृथ्वी है, गुरु ठोस नहीं, जिसका घनत्व गुरु से 4 गुना अधिक है। गुरु या बृहस्पति के 14 उपग्रह होते हैं। गुरु के 14, पृथ्वी का 1। ये गुरु की वो सतह है जो हमें पृथ्वी के किसी भी टेलीस्कोप द्वारा नहीं दिखाई देती है। तुम लोग इसे अंतरिक्ष से देख रहे हो। वाह! इस सतह के उत्तरी गोलार्ध पर जो तुम्हें कोशिकाएं जैसी दिखाई दे रही हैं, वो वास्तव में धूल भरी आंधियां हैं। इतना विशाल है गुरु? इतना विशाल कि इसका व्यास पृथ्वी के 10 गुने से भी अधिक है। ये ग्रह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमकर 9 घंटे 50 मिनट में एक चक्कर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। वास्तव में शनि है। अगर भय न हो तो इसके बारे में जानकारी दी जाए। जब मंगल से कोई अमंगल नहीं हुआ तो शनि से क्या भय? क्यों भास्कर? करेक्ट, यू मे प्रोसीड। लगता है तुझे अब मजा आ रहा है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में शनि को 29.5 यानी 29.5 साल लग जाते हैं। अपनी धुरी पर घूमकर यह ग्रह 10 घंटे और 14 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। अच्छा, जबकि पृथ्वी को यह चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। शनि का घनत्व केवल 0.68 है यानी मिल्कशेक जितना, और पृथ्वी का 5.5।
अगर किसी तरह इसे विशाल समुद्र में डुबो दिया जाए तो ये उसमें तैरने लगेगा। वाह! शनि के चारों ओर अनेक वलय या रिंग्स होती हैं, जो कई फुट व्यास के बर्फ के टुकड़ों की बनी है। वायदर यान से हमें इन वलयों के पास से दर्शन मिले। शनि के 10 उपग्रह हैं। इनमें से एक का आकार तो बुध ग्रह के बराबर होता है तथा रंग रूप में मंगल जैसा। सौर मंडल में केवल टाइटन ही ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल है। परंतु अफसोस कि ये एक जहरीली गैस मीथेन का बना है, जिसके पर्यावरण में जीवित रहना असंभव है। समय के अभाव के कारण हम शनि के समीप और अधिक नहीं रुक सकेंगे। उभरता हुआ ये शनि से 9000 लाख मील की दूरी पर स्थित है। इस बर्फीले ठंडे ग्रह की दुनिया जहरीली गैस मीथेन की बनी है। यह ग्रह 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। दस घंटे और 49 मिनट में ये ग्रह अपनी धुरी का एक चक्कर लगाता है। अन्य ग्रहों और यूरेनस में एक बात भिन्न है, और वो है यूरेनस का अपनी धुरी पर झुकाव करीब 98 डिग्री। पृथ्वी का झुकाव है 23 डिग्री और यूरेनस का झुकाव 98 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि यूरेनस के दक्षिणी गोलार्ध पर 42 वर्ष तक सूर्य चमकता है और 42 वर्ष पश्चात उसके उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की गर्मी का आभास होता है। यानी यूरेनस की अपनी दूरी पर घूमने से पृथ्वी के समान दिन और रात नहीं होते? नहीं, 42 वर्ष तक एक गोलार्ध पर केवल तारों भरी रात होती है। ये नेपच्यून ग्रह है। इसके समीप इसका बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन तथा छोटा उपग्रह निरेइड है। ये ग्रह सूर्य से 30,000 लाख मील की दूरी पर स्थित है। नेपच्यून 165 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है तथा अपनी धुरी पर 15 घंटे में एक चक्कर लगाता है।
रवि वो देख कितने सारे तारे। हाँ लेकिन उस बिंदु पर ये तीर कैसा? ये तीर तुम लोगों की सुविधा के लिए लगाया है, वरना इतने सारे तारों के बीच तुम प्लूटो को कैसे पहचान पाते? तो क्या इतनी दूर है प्लूटो? इतनी दूर कि सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में प्लूटो को 248 वर्ष लग जाते हैं। इसकी सतह का तापमान -220 डिग्री सेंटीग्रेड है। -220? -220? इसके कोई उपग्रह नहीं है। ये हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह था। तो ये था हमारा सौर मंडल। अब हमारा यान और आगे बढ़ रहा है आकाशगंगा के केंद्र की ओर। खगोल विज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की एक आकाशगंगा में 2 खरब तारे होते हैं। ये है प्रॉक्सिमा सेंटोरी और उसके बाद अल्फा सेंटोरी, हमारे सौर मंडल के सबसे पास के तारे हैं। पृथ्वी से केवल 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। प्रकाश वर्ष? वर्ष तो सुना था, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। जिस प्रकार छोटी दूरी को फुट रूलर से उससे अधिक को किलोमीटर से नापते हैं, वैसे ब्रह्मांड की दूरियों को प्रकाश वर्ष द्वारा ही नापा जाता है। आपकी जानकारी के लिए एक प्रकाश वर्ष में 9000 अरब किलोमीटर होते हैं। रवि ये बिजली कैसी? डरने की आवश्यकता नहीं, ये किसी तारे का विस्फोटन है जो हमसे 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये है हमारी आकाशगंगा का बाहरी स्वरूप जिसका व्यास है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए प्रकाश 1,00,000 साल लेता है। और इस गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ साल लग जाते हैं। तो सूर्य भी चक्कर लगाता है? हमें लगता था कि वो स्थिर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 10 अरब गैलेक्सीज हैं, जिन्हें दूरबीनों से देखा जा सकता है। ये तो बादल लगते हैं। ये रही हमारी पड़ोसी गैलेक्सियां। इन बादलों की सर्वप्रथम खोज 4.5 शताब्दी पूर्व मैगलन नामक पुर्तगाली नाविक ने की थी। उसने इन बादलों को दक्षिणी गोलार्ध से देखा था, इसलिए इन्हें मैगलन क्लाउड्स भी कहते हैं। ये बादल अपने आप में छोटी गैलेक्सीज हैं, या यूं समझ लें कि हमारी आकाशगंगा के उपग्रह हैं। ये एंड्रोमेडा या देवयानी नामक आकाशगंगा है, पृथ्वी से 2,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 2,00,000 यानी 2,00,000 वर्ष में प्रकाश एंड्रोमेडा से पृथ्वी पर पहुंचा होगा। जब हमारे पूर्वज गुफाओं में नंगे घूमते थे तब चला था यह प्रकाश। कमाल है। पूरा ब्रह्मांड एक विशाल गुब्बारे जैसा है जिस पर यह आकाश गंगाएं विद्यमान है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गुब्बारा फूलता ही जा रहा है। तब तो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही होगी।
यही तो हो रहा है और ब्रह्मांड फैलता जा रहा है कुछ इस प्रकार। वैज्ञानिक एडिंगटन ने इस प्रकार समझाया है। मनुष्य एक बोरे में बंद आलू के भीतर घुसे कीड़े के समान है, जो बोरा पानी के जहाज के तलघर में रखा है। हिलते हुए जहाज से वो समुद्र की अथाह गहराई का पता लगाना चाहता है। भास्कर, ये प्रकृति की गुत्थी भी कितनी जटिल है। वो कैसे? देखो, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है और मैग्नेटिक क्लाउड्स आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। कितना विशाल है ये ब्रह्मांड, परंतु अब तक जो भी देखा उसका पता मनुष्य को किस प्रकार लगा? इस ज्ञान का आधार है प्रकाश, वही हमारा सूचक है।